मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की कबीर सिंह को ना सिर्फ लोगों ने पसंद किया है बल्कि क्रिटिक्स से भी फिल्म को काफी अच्छे रिस्पांस मिले हैं। फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पांस से जहां शाहिद की खुशियों का ठिकाना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर बॉलीवुड सिंगर सोना मोहपात्रा ने अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल टीवी एक्टर नकुल मेहता ने सोशल मीडिया पर शाहिद की एक्टिंग की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था, यहाँ 99 दिक्कतें हैं और शाहिद कपूर इनमें अकेला नहीं है। फिल्म की राजनीति को छोड़ दें तो इसे शानदार तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। हर फ्रेम में शाहिद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और इसे अपनाया है। वहीं उनका ये ट्वीट लगता है सोना को पसंद नहीं आया और उन्हें शाहिद के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। बता दें कि नकुल के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, क्या एक अभिनेता को फिल्म में अपने कैरेक्टर चुनने के पहले अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा को भी टैग करते हुए लिखा है, किसी ने भी क्या महिला विरोधी कहानी नोटिस नहीं की, सिर्फ इंटेंस एक्टिंग, ये वाकई बहुत गहराई तक परेशान करने वाला है। आप तो नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन है, मैं हैरान हूँ कि जब भारत में महिलाओं की स्थिति की बात आती है तो हमें क्या उम्मीदें करनी चाहिए। तो देखा आपने, सोना को शाहिद का मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर पसंद नहीं आया है जिस वजह से उन्होंने शाहिद पर अपनी भड़ास निकाली है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि कबीर सिंह वाकई जब से रिलीज हुई है तभी से लोगों के जुबान पर छाई हुई है। यहां तक कि रिलीज होते ही ये फिल्म शाहिद के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग देने वाली फिल्म भी बन गई है। वेल, तो ऐसे में सोना का भड़ास निकालना सही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंसान अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ये हम लोग प्रूव करके रहेंगे। बट दिस टाइम इट्स कबीर सिंह का इंडिया, मतलब आपके इंडिया में तो प्रमोशन का और यू बीन डूइंग दीस सिटी टूर्स, तो आपका कैसा रहा, कहां कहां आप क्या रहे हो? कुछ याद ही नहीं है, सब फ्यूज हो गया है सब कुछ, यू नो व्हेन यू आर सो क्लोज टू द रिलीज ऑफ अ फिल्म बिटवीन द एंजाइटी एंड द you know nervousness of how people are going to react to it and what people are going to feel in between the non-stop schedule that you have of going from A to B to C to promote, the good thing is that you become numb, so I'm like I wish I also had like a really cool talk like video like that. Give some hard answers. Have you not seen this? This happened at the press conference. Where were you? Have you all seen Shahid's Insta story today? What is it? Please, somebody go. Who has Instagram? Okay, great. Go on Shahid. Go and see his Insta story. What is this? Right here. Come on. Open Insta story. Can you do this for us live? It's chalna. Yeah, go. Please show this to everyone. Everybody needs to put. Of all the glamour that Kiara was bringing on the table, so I decided that I need to add some of my own. And what's wrong? And this is actually matching. This is matching Kiara's lip color today. Kiara, would you like to show that? Sorry. I'm so obsessed. Thanks so much. Coming from such handsome women, thank you so much. ठीक है, क्या आप हट जाओ, हमको ही चाहिए कबीर सिंह, ऐसा हो रहा है।
अभी माइक आ रहा है तो ये सब क्या म्यूट पे था भाई? आ रहा है Zoom का माइक आ रहा है, E24 का माइक आ रहा है, to all the viewers of Zoom and E24. This is Shahid Kapoor and this is Kiara Advani. Thanks for being here in Pune. We have to make this entertaining, guys. This has to be a chill, entertaining sesh. वहाँ पे खाने में क्या-क्या पहले बताओ. क्या-क्या खाया तुम लोगों ने? इन्हें माइक दिया जाए. आलू टिक्की फॉर मी मतलब तूने खाया और मुझे मेरा पेट भर जाएगा. अच्छा तो यू हैड वेज जस्ट फॉर मी. तो कितनी चीजें करता है मेरे नया दिन. आलू टिक्की चाट इज वेरी गुड. उसको चाट लिया. चिकन टिक्का टी केक. बड़े सारे ऑप्शन है, हमें कुछ नहीं मिला, हमने दूध ही खाई. While we are having this very important conversation, mine and Kiara's teams, okay, a big round of applause for our teams, first of all, guys, come on. Mine and Kiara's teams are hogging the banquet, because they're like, if I may, that shit, I've been working for the last 10 days and I haven't slept, I'm gonna eat some good shit. And they're still not soft. Parvez, bro, mere bhi dabane chala, bro. माही हंस रहा है. हाय मेरे लाल पीले काले नीले. माही गाइस हु इज एन असिस्टेंट टू माय मेकअप आर्टिस्ट जेम्स हैज एन अमेजिंग एबिलिटी. यू नो ही कैन स्टैंड इन वन प्लेस एंड स्लीप. सो या सो ही कैन बी होल्डिंग द मिरर लाइक दिस एंड ही कैन बी स्नोरिंग. माही थोड़ा लेफ्ट पैन कर. हाँ सर. माही मैं तेरे पीछे हूँ. ओ सॉरी सर. सो या दैट्स द अमेजिंग वन एंड ओनली माही. वी लव यू माही. अरे बट गिव देम अ माइक ना. नहीं तो दे ऑल हैव टू बिकम कबीर सिंह. स्टैंड ऑन द टेबल एंड शाउट लाउडली. Part and just stick to the first three letters. That could also apply to a certain phase of Kabir. समझ में आ नहीं समझ में है. हाँ, he could be one sometimes. Yeah. Aspirational में से aspirational निकाल दो. He can be very extreme as a lover, and that's the part that can be damaging for people. But he also loves very purely, and he can dedicate himself to somebody else, and I think that's a very rare quality in people, especially these days. You don't find it so often. And I think that's aspirational. But the way he deals with certain things, I would definitely not suggest, and I would say Kabir Singh is quite hanikarak for your sehat. So, you know, but films are about showcasing reality and showing all phases of a human being's life. I mean, if you don't see black, how do you know the difference between white and black? You have to show black for white to stand out. So, Kabir is like that, like all of us, you know. Just on that note itself, because you mentioned how we need to show all shades of a character of a human being, because we all are flawed. So, but do you feel when we are making films, the gaze at which we are looking, the way we are looking at characters,
That's your job, no? If I start critiquing my own character, I won't be able to be him. Because you are the actor. Yeah, my role is to represent him honestly and to play him for how he is. And it's for you to decide which part of him you liked, which part of him you didn't like. Because see, good and bad is a part of life. But what's most important is the intent. You know, we all make mistakes. I mean, when I speak to my friends or I speak to my family, it's not about what you did. We all make mistakes, we all behave badly. But if the intent behind that is to hurt someone deliberately or to do something negative, then that's not something that one can appreciate. But if it's coming from a good place, but you're behaving badly, which also happens, you know. So the intent is most important for me when I view a character. And I think Kabir has very pure intent. But because he's flawed, he behaves in different ways. And that's why he's a character that probably is worth watching on the big screen, because he has the ability to surprise you and he has the ability to, you know, make impact because of the way that he is. At least that's how I saw it. Thank you.